आगे बढ़ते हैं। टेलीकॉम सेक्रेटरी का कहना है कि स्पेक्ट्रम की नीलामी काफी सफल रही। जी बिजनेस से एक्सक्लूसिव बातचीत में टेलीकॉम सेक्रेटरी ने कहा कि ऑनलाइन सिस्टम होने से नीलामी पूरी तरह से पारदर्शी रही। स्पेक्ट्रम की नीलामी खत्म हो चुकी है, सरकार को इससे 65,000 करोड़ रुपए की आय हुई है। बात करने के लिए मास्टर टेलीकॉम सेक्रेटरी जे एस दीपक मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको लगता है एक बहुत बड़ी मात्रा में इस बार स्पेक्ट्रम का जो ऑक्शन पे रखा गया था, 5,60,000 करोड़ रुपए के आसपास का जो स्पेक्ट्रम था वो ऑक्शन पे रखा गया था, 65,000 करोड़ रुपए की आई हुई है, आपको लगता है नीलामी जो है वो सफल हुई है या असफल हुई है? देखिए, मेरा मानना है कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण टेलीकॉम स्पेक्ट्रम ऑक्शन था जिसमें बहुत बड़ी मात्रा में स्पेक्ट्रम की नीलामी हो रही थी, और ये एक बहुत ही सफल ऑक्शन रहा है। इसके बेसिकली तीन कारण मैं मानता हूँ। नंबर एक, 7 ब्लॉक्स में 2300 मेगाहर्ट्ज की नीलामी की गई थी। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शन सिस्टम था बहुत ही कॉम्प्लेक्स और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड था, क्योंकि सारी चीज़ ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिकली होनी थी, और ये पूरी तरह से सुचारू रूप से चला और मार्केट एटेबल प्राइस स्पेक्ट्रम की निकल के आई। तो जो गवर्नमेंट की मंशा है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़े, नेचुरल रिसोर्सेज की नीलामी ट्रांसपेरेंट प्रोसेस के थ्रू हो, उसकी पूर्ति इस ऑक्शन से अवश्य हुई। दूसरी चीज़ जो हमने इतना अधिक स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए डाला था, उसका पर्पस ये था कि टेलीकॉम कंपनीज को चॉइस मिले, जिसके पास जो स्पेक्ट्रम नहीं है वो खरीद ले, और शॉर्टेज आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट करके प्रॉफिटियरिंग की मंशा नहीं थी। और जिस प्रकार की बिडिंग हुई है, 965 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम इस ऑक्शन में बिका है। आप अंदाज करिए कि पिछले 4 ऑक्शंस में 2012, 2013, 2014 और 2015 कुल मिला के जितनी स्पेक्ट्रम बिकी थी वो 930 मेगाहर्ट्ज थी। उसके वनस्पत 965 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम बिकी है, और जब ऑपरेटर के पास अधिक स्पेक्ट्रम होती है, आप जानते हो, उसकी क्वालिटी ऑफ सर्विसेज बेहतर होती है, कंज्यूमर एक्सपीरियंस बेहतर होता है। तो अब इससे हमारी उम्मीद है कि जो हिंदुस्तान के टेलीकॉम व्यवसाय में बीसों साल से एक समस्या बनी हुई थी कि स्पेक्ट्रम शॉर्टेज के कारण अच्छी सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर पाए थे, वो हमेशा के लिए दूर हो जाए।